Good evening to everyone and welcome to a brand new episode of Khabrana Mana Hai. Mere ladko, ye kab se kar rahe ho jo tum kar rahe ho? 10.5 years. 10.5 saal se ho chuke hain. So, aap to khud bhi takriban 10.5 saal ke hi hain. Main 20 saal. 20 saal ke to aapne 9.5 saal ki umar mein ye karna shuru kar diya. Ji, 9 saal ki. Aur isse आसान इंस्ट्रूमेंट तो आपको यकीनन मिला नहीं होगा। बहुत रैंडमली आया था, इट वाजंट रैंडमली आया था, मगर बंदा चेक तो करवा लेता है कि ये मतलब क्या है ये सैक्सोफोन। मैं अच्छा नहीं बजाता। नहीं बजाते बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई इतना आसान आसान सामान भी है बेटे, सबसे मुश्किल वाला ही उठा लिया। क्रिएटिव आओ, कम आओ। ओए जिंदगी में मुश्किलात की तुम्हें हमेशा से आदत रही है, मुश्किल काम करना चाहता हूँ मैं। काइंड ऑफ। एंड व्हाट अबाउट यू दानियल, आप कब से बजा रहे हैं? Well, I've been actually playing since around more than 10 years, I think. आप भी 10 साल से, और आप कितने साल के हैं? Right now, I'm 28. चले, मुझे खुशी हुई जान के आपने 18 साल की उम्र में ये काम शुरू किया, जब आपको कुछ समझ आ चुकी हुई थी। Actually, I think मैंने 13 साल की उम्र से शुरू किया था, तो 10 साल से ज्यादा है। That's... तो बेटे अपनी मैथ्स ठीक करवाओ ना। So, it's been 15 years since you have been playing this. Yes, yes. And was this instrument of your choice, or was like in his case, पकड़ा दिया किसी ने तो कहा यही वाला बजाना है भैया? Basically, when I was 13 years old, I actually started off playing the drums. मैं पहले drummer था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने guitar ली, उसके बाद फिर मैं vocals पे आया, उसके बाद फिर मैं production में चला गया, studio softwares में चला गया, and then I turned out to be a producer. Then I went to NCA. I graduated with a distinction in musicology. मुझे कदर पाकिस्तानी म्यूजिक की आई थी जब मैं NCA गया था। उससे पहले मैं अंग्रेजी म्यूजिक ही करता था, और जब मैं एक बार उधर गया NCA में, उधर मेरी क्लासेस थी तबला, सितार, हारमोनियम, सुबह 8 बजे जाके सा लगाते थे। नाउ आई वाजंट यूज्ड टू दैट, मैं रैप शैप सुनता था और ये सीन था। एंड आफ्टर दोज 4 years, आई सॉ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई रियली वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट दिस स्पेशली। हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लोग उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। अब कौन सुनेगा उस इंस्ट्रूमेंट को? जो यूथ है वही म्यूजिक, सबसे बड़ी म्यूजिक लिसनिंग उनकी होती है। मेरा टारगेट ये कि मैं इस यूथ को जो EDM बहुत ज़्यादा सुन रही है, उसके अंदर क्लासिकल म्यूजिक डालूं। अब ये जो आप हमारा सेट देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एंड दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स, बट माई थीसिस इन NCA वॉज इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। इस तरह का मैं पीस बजाता था और ऊपर रुबाब की कोई और कल्चरल रिलेटेड उनकी मेलेडीज होंगी, गाँव की मेलेडीज होंगी एंड स्टफ। So I'm bringing the heritage in this music. This is my mission. I'm going to keep on making this better. Well, best of luck to both of you. और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सुर इसी तरह पक्के होते रहें और आपके बाल ऐसे ही लंबे होते रहें। इसके साथ ही हम अपने आज के एपिसोड का आगाज करते हैं। धुआंधार बातें की हैं हमारे यंगस्टर्स ने। हमारी आज की जो मेहमान है बहुत ही खास मेहमान है, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज के अंदर विराट कोहली साबित हुई हैं। जिस तरह विराट कोहली आके छक्के छुड़ा देते हैं, इसी तरह ये खातून भी जब बोलना शुरू करती हैं तो बहुत से छक्के छूट जाते हैं। एक्टर हैं बहुत ही कमाल की, चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो, ये आती हैं और इम्प्रेशन ऐसा छोड़ती हैं कि वी रिमेंबर दैट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यू कैन मेक हर मिमिक, यू कैन मेक हर डू कॉमेडी, यू कैन मेक हर डू ड्रामा, एनीथिंग, शी इज गोइंग टू डू इट परफेक्टली। एंड देन
सबके ऊपर, हसीन भी बहुत हैं, ये एक और बहुत थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है जो कि इतने टैलेंट के साथ जब हुसन शामिल हो जाता है तो इंसान कहता है या अल्लाह हमें क्या था जो नहीं दिया और आपने सब उधरी दे दिया। सो प्लीज वेलकम माय गेस्ट फॉर टुनाइट, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सबा कमर जमान। कैसे हमने एंड थैंक यू नहीं नहीं थैंक यू प्लीज बैठिए 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 बहुत शुक्रिया। जी सबा क्या हाल हैं आपके? आई एम गुड अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। लॉन्ग टाइम इट हैज बीन। पहले तो मुझे ये बताइए आपके हुस्न का राज क्या है? बस जरा सा। उफ जरा सा बस जरा सा, बाकी पैसे दोबारा लेने के बाद बाकी ना पैसे लेने के बाद की बात है। ये जरा सा से नहीं हो सकता, ये काफी ज्यादा सा होगा। नहीं, कभी कभी जरा से हो। वेल खैर, आई कैन ओनली से के आपके काम में जरा सा लग जाता तो कहीं चेहरों पे बहुत जरा सा नहीं, नहीं। होता है। मुझे लगता है वैसे अल्लाह ने सबको बहुत हसीन बनाया है। ये हमारी अपनी आंख है कि उसको हमने कैसे देखना है किसी भी चीज को। क्या माशाल्लाह अच्छी नानी अम्मा वाली आपकी आंख है जिससे पहले मेरी आदत थी, मैं चीज़ों को ना थोड़ा सा जैसे मुझे चिपकली से थोड़ा डर लगता था या मुझे पसंद नहीं थी, तो मुझे बड़ी किसी ने प्यारी बात की कि इसके होने का भी कोई मकसद है तो क्यों बुरी लगती है तुम्हें चिपकली का मकसद? दुनिया में कोई भी चीज़ बनाई गई है तो वो उसकी क्रिएशन है, उसमें कोई ना कोई वजह है और उसकी खूबसूरती है उसके होने की दुनिया में। नहीं अच्छा, मुझे ये बताइए आपके इतने इंटरव्यूज हमें नजर नहीं आते और एक तो जनरली यू डोंट गिव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। इज इट बिकॉज यू डोंट लाइक टू गिव इंटरव्यूज और इज इट बिकॉज कि आप अपना भी आप करती हैं, एक चैनल है आपका, सो यू कीप ऑन टॉकिंग ओवर देयर एज वेल। तो नन्ना सा क्यूट सा चैनल 5 एपिसोड्स के साथ। ये यूजुअली होता है ना कि आपको मौका मिल जाता है कहीं पे बात करने का तो इसलिए शायद इंसान कहता है कि यार इतना तो मैंने वहां बता दिया। मुझे फिल्टर नहीं होता वहां, मैं वो बात कहना चाहती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, उसमें ये नहीं होता, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता कि अच्छा अगर मैं ये कहूँगी तो चैनल का प्रेशर नहीं है, लोगों का प्रेशर नहीं है। वो सबक कमर का चैनल है, वो है जहाँ मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ काफी खुल के। नहीं, बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें की हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले तो कि आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? भगवान आपकी हर चीज मतलब सब देखती हूँ मैं सब। आप ये क्या देख रही हैं? क्या बात है, आपको सही कराए अपना देखना। मैंने तो वैसे ही आपने तो इखलाकन आगे से बुरे कर दिए। अरे मैं आपकी फैन हूं। नहीं नहीं, मगर मुझे आपने ये देखा हुआ थोड़ा सा। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको आइडिया है ना शो का? ऑफ कोर्स। घबराना मना है, ठीक है, और वो आपसे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, ऑनेस्टली मैं घबराऊंगा, आपने नहीं घबराना। हमने तो फिल्म कर डाली। बिल्कुल, आपने तो फिल्म भी कर डाली है और उस फिल्म से पहले भी आपने जो जो कुछ कर दिया, यू हैव नेवर बीन द वन जो के हु मिंसेस हर वर्ड्स। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा से मेरे शो में शायद कोई भी और नहीं, नहीं आप ही हैं, फिक्र ना करें। तो घबराना मना है। ओके, आपसे हम इसके अंदर कुछ सवाल पूछेंगे, वो सवाल मोस्टली ऐसे होंगे जो कि आपके बारे में या तो सोशल मीडिया पे हैं या कभी रहे किसी पार्ट जी प्लीज किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहे जिसमें सबा कमर के बारे में बात हुई, सबा कमर ने कोई बात की किसी चीज के बारे में, वो हो गया, फिर आपके ही कुछ ऐसी चीजें आपके इंस्टाग्राम हो गए, जो मैं ऐसे ही कर देती हूं, जो कि आप जो हमारे मेहमान आते हैं उन्होंने खुद ही वो हरकतें की होती हैं, तो हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि इनके पीछे राज क्या था। कभी कभी ना आप बिना सोचे समझे कुछ चीजें ऐसी लगा देते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कभी कभी नहीं, हमें रिसर्च करके पता चला कि बहुत सारी दफा ऐसा ही है, उसमें कभी कभी सिर्फ निकली कि ये कभी कभी मैंने सोच के डाली थी तस्वीर, वरना मोस्टली तस्वीरें ऐसे ही गई है। तो इनके बारे में हम पूछेंगे आपसे। इजंट इट ब्यूटीफुल जो आप सोच रहे हो बस लगा दो, ठीक है? नहीं, एनीथिंग इट्स अ क्वेश्चन, एनीथिंग ब्यूटीफुल जो आप सोच रही हैं वो लगा दें। इजंट इट ब्यूटीफुल जो आप सोच रहे हो बस लगा दो। जवाजी आपके पास आपका मोबाइल है? जी मैं बिल्कुल, मैं देखकर आई थी आपका शो, उसमें चाहिए होता है। जबरदस्त। तो आपने एक वॉइस नोट
अपने कुछ दोस्तों को भेजना है और हम देखना चाहते हैं कि सबा कमर के दोस्त जो हैं हाउ डू दे परसीव सबा कमर। वॉइस नोट बड़े खतरनाक होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। यही तो मजा है कि वॉइस नोट पे आपको पता चले कि वो क्या कहते हैं सबा अगर उनसे कुछ पूछती हैं। तो पूछना क्या है? पूछना आपने ये है उनसे, आपका सवाल ये होगा, आपको पहले मैं सवाल बता देता हूँ, फिर आप अपना वो। घबरा तो नहीं रही मैं। अच्छा चले पहले आप बताएं आप किसको टाइप, मैं आपको बताता हूँ किसको टाइप करना चाहिए। अच्छा बाय द वे मेरे फ्रेंड्स नहीं है। आपके फ्रेंड्स नहीं है? कोई तो होंगे। अब मिशी, चीमा और बहुत थोड़े गिनती के। मिशी, आप पहले सवाल बताएं ताकि मुझे, मैं ढूंढूं उसके मुताबिक फ्रेंड ढूंढेंगे। अरे हाथ मिलाने वाला दोस्त थोड़ी ना होता दोस्त। अच्छा वाह, तो सवाल ये है, एक जबरदस्त फिल्म ऑफर हुई है, ठीक है, लेकिन फिल्म के अंदर मुझे अपना हेड शेव करना पड़ेगा, करूं या ना करूं? आपको पता है ये मैं सबको कह चुकी हूं कि मैं कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिला जिसमें मुझे हेड शेव करवाना है, बॉल्ड होना मुझे बहुत पसंद है, मैं करवा लूंगी। तो आपने ये बस पूछना है और आपकी दोस्तें आपको क्या कहती हैं? आप कितने लोगों को भेजूं? बिलाल अशरफ को भेजेंगे आप? ये बिलाल अशरफ को भेजेंगे। हे बिलाल, हाय, होप यू आर डूइंग वेल। बिलाल अच्छा सुनो, मुझे एक कैरेक्टर ऑफर हुआ, उसके लिए मुझे अपना हेड शेव करना है, या मैं सोच रही हूँ मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्या कहते हो? जबरदस्त, यही मैसेज आप एक काम करिए, अदनान सदीकी को ही भेजिए। अद्दू, हाउ आर यू? अद्दू, मुझे एक कैरेक्टर मिला है, उसमें मुझे हेड शेव करना है, बॉल्ड लड़की है, तो करवा लूँ अपना हेड शेव, क्या कहते हैं? कि अभी बहुत जल्दी होगा, 2-4 साल के बाद, क्या कहते हैं आप हमेशा ठीक मशवरा देते। सरमत खुसट को। मंटो जी, कैसे हैं आप? मंटो जी, नाता ना पता, लाहौर, कराची, मुल्तान, पिशावर, कितने हो? अच्छा सुने, मुझे कैरेक्टर मिला है, उसमें मुझे हेड शेव करना है, तो कंपनी के प्रमोशंस भी हैं, तो मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं करवा लूँ अभी कि ना करवाऊँ, या फिर मैं वेट करूँ। ज़बरदस्त, मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने जिस तरह सरमत को गुफ्तगू को आगाज किया, मुझे लग रहा था कि वो कोई बस चला रहे हैं जो लाहौर कराची इस्लामाबाद। ही कॉल्स मी मैडम जी एंड आई कॉल हिम मंटू जी। अच्छा, तो जब से हमने वो किया था ना मंटू, हाँ, तो तब से हम एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, वो मंटू हैं और मैं मैडम जी। ठीक है, तो अच्छा हमारे बात करने का अंदाज भी यही है। आपको एक और मैसेज किसी खातून को भी करना चाहिए, आई वांट टू सी कि वुमेन व्हाट डू दे हैव टू से, किस एक्ट्रेस को करना चाहेंगी आप? आपने वो रिसेंटली काम किया और जिनके साथ आपको लगा हो कि आपकी बहुत अच्छी। मैं ऐसे ड्रामे और फिल्में करती हूँ जिसमें मैं ही होती हूँ, आप बताएं। ओके, महविश हयात को करना चाहेंगे? महविश को करूंगी, अच्छी दोस्ती है। हाँ, महविश और मैं कभी कभी बड़ी मजे की बातें करते हैं, क्या करना है? यही आपने। अच्छा, हाउ आर यू? अच्छा महविश, मुझे एक मशवरा चाहिए दोस्तों वाला यार। सुनो, मुझे एक कैरेक्टर मिल रहा है जिसमें हेड शिफ्ट कराना है लड़की ने। मेरी फिल्में अभी जो मैंने की है, जैसे कमली की है, घबराना नहीं है, मैं अभी 50-50 हूँ कि हेड शिफ्ट करा लूँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि कल को फिल्म की प्रमोशन से सब करना है, तो ये सही फैसला होगा कि नहीं बता यार, मैं वेट करी हूँ। मैं फुप्पी लग गई हूँ। नहीं, ये तो देखते हैं ना वो क्या परसीव करते हैं आपको, क्योंकि हमारे बहुत से मेहमानों को बड़े बड़े इंटरेस्टिंग जवाब यहाँ पे आए, हाँ, जो कि उनके दोस्तों ने हाँ दिए, हाँ। तो मैडम मुझे ये बताइए, आपके जरा हम कुछ तस्वीरों की जानिब चलते हैं, बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और आपने जो बात की थी वो क्या? ना अभी नहीं, अभी रुक जाए, इन्हों करेंगे इस पे वापस, आए घबराना नहीं है। मैं घबरा लूं? तो आपने जैसा कहा था कि हर चीज, वो क्या आपने कहा था, तस्वीर के पीछे एक कुछ स्टेटमेंट आपने जो दी थी एक अभी। मैंने कहा था कि isn't it beautiful कि आपके माइंड में जो जो चीज आ रही है बस उसको आप अपलोड कर दो और उसी तरह से कर दो। जी सवा जी, ये आपकी एक तस्वीर है जी। वासु जी, ये आपके दिल में क्या चल रहा है? बस जो कैप्शन मैंने अपनी टी शर्ट पे देखी मैंने लगा दी। वो तो आपने कैप्शन लगा दी, मगर वैसे ये क्या, आप क्या? ये पानी की बोतल है मेरे हाथ पे। अच्छा, ये पानी की बोतल है, पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा किया बताया, ठीक है। ये आपकी आंख पे कि सर में दर्द हो रहा था? नहीं नहीं, ये लड़कियां शर्माती हैं। अच्छा, ये शर्मा रही हैं? ये कैंडिड पिक्चर थी या
ये ब्यूटी सारी दुनिया ऐसे ही करती है, कुछ 70 तस्वीरों के बाद एक अच्छी तस्वीर आती है, लेकिन वो ऐसे शो कराते हैं कि कैंडिड पिक्चर है और सब ऐसे हैं। अच्छा, ये आप ये पब्लिक है। मान रही है कि ये एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर रही है उसको। अच्छा, तो ये वो है कि यानी ऐसा नहीं होता कि ऐसे गाड़ी में जाते हुए गाना लगाया, अच्छा सा व्यू भी आ गया, गाना भी अच्छा आ गया, फ्रेंड्स भी सब अच्छा रहे। नहीं नहीं, वो 70,000 बार टेकों की। अच्छा, ये चले जबरदस्त। और उन्होंने कहती है, उन्होंने अपनी टी शर्ट कही उसको किया कि आई किस्ड अ फ्रॉग एंड आई लाइक्ड इट। और आपने आगे जो था, अच्छा ये मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगता है कि एक तो आपने कहा कि आई किस्ड अ फ्रॉग एंड आई लाइक्ड इट, और आगे आपने वो जो बांदर की आंखें कवर वाला इमोटिकॉन होता है वो भी लगाया। शर्मा गई ना। अच्छा, एक और तस्वीर जो आपके दिल में, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तस्वीर आपकी। ये तस्वीर आपने लगाई हुई है अहमद अली भट्ट ने। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ये मेंशन किया अहमद अली भट्ट हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जैसा इनके मुंह से एकदम बेधड़क निकला कि अहमद अली भट्ट हैं इसमें, नीचे जो उन्होंने तस्वीर जब लगाई थी सन 2016 में, तो उस पर लिखा हुआ था समन एंड एमन। कौन थे समन एंड एमन? समन और एमन तो आप दोनों हो गई। सो वी डिड अ प्रोजेक्ट टुगेदर। बिल्कुल। मैथ। हाँ। So, ये उस शो को होस्ट कर रहे थे। बहुत पुराना शो है ये, कुछ 2016 का शो है, किसी और चैनल का शो बिल्कुल, था। हाँ, तस्वीर आपने लगाई। हाँ, 2016 का भी नहीं है, उससे भी पुराना है। अच्छा, लेकिन फोटो चूंकि मैं सोशल मीडिया पे बाद में आई हूँ, तो आपके जो फेवरेट पिक्चर्स होते हैं आप लगा देते हो। चलो यार, आज ये लगा देते। तो समन आप है, एमन आमना शेख है। एमन आमना शेख है। अहमद भट्ट साहब को आपने कोई नाम तक ना दिया इस तस्वीर में, सिर्फ एंड लिखा हुआ है। तो ये क्या वो एंड थे बीच में समन और एमन के? भट्ट साहब, आई लव यू, यू नो दैट। Not in 2016, she clearly didn't. When she put up the picture, you were just an and at that time. अच्छा, आगे आपने मजीद जख्मों में नमक, आपने जख्मों में नमक भी जो छिड़का, आप खुद देखें, मेरा कुछ करना नहीं है, सब आपकी अपनी उंगली है। मैंने सोचा भी नहीं होगा ऐसा। आपने आगे तस्वीर लगाने के बाद दो इमोटिकॉन भी डाले, उसमें भी दो लड़की हैं। बहुत अरसे के बाद मैं और आमना एक शो में इकट्ठे हुए थे, वो पुरानी यादें थी और वो कैरेक्टर किया हुआ था, तो इसलिए जब इतनी यादें थी तो इस बेचारे को बीच में हटवा देते। अरे भट्ट साहब को सब जानते हैं, मतलब भट्ट साहब का तो कोई ऐसा हमारे साथ कोई, आपने इमोटिकॉन का भी काबिल नहीं समझा कि एक बीच में एक बंदे का इमोटिकॉन डाल दिया। आई डिडंट टैग हर। आमना को भी टैग नहीं मैंने इसमें किया हुआ। आमना को आपने टैग नहीं किया? नहीं किया। तो भट्ट साहब को भी नहीं किया, क्योंकि मेरी इंटेंशन उनको लेके भी गलत नहीं थी और उनके लेके भी गलत नहीं थी। मगर ठीक है, ये आपने जो किया ना, यार बहुत तेज है। नहीं नहीं, मैं आपकी फैन हो गई हूं। सारा आपका सामान निकाल रहा हूं मैं। ये तो आपने किया है। ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये भी कह सकते हैं आप। एकदम सबा कमर एक शेड दिखाती हैं और कहती हैं डीप थॉट। क्या आपको याद है आपने क्या लिखा था इसके नीचे? हाँ, मुझे याद है। बताइए। नहीं बताऊंगा। नहीं, तो मैं पढ़ लूंगा तो फिर। Why do you miss? You know, कुछ इस तरह का था। What does it mean? What does it mean when you miss? When you miss someone? Yeah, someone. एक ये वाला इमोटिकॉन और एक वो जो उल्टा स्माइल वाला इमोटिकॉन। Because I was confused. आप कभी कभी अपने इमोशंस और अपने उस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं, हो क्या रहा है? हाँ, है या नहीं है? है या नहीं? तो किसको मिस कर रही थी आप? मुझे तो याद भी नहीं, इतना टाइम 2018 का मिस नहीं आता। 18 21 चल रहा है, इतने आए इतने गए। अच्छा, वैसे आपको पता है आपने कब लगाई थी? 22 मार्च 2018 को तस्वीर है ये। अरे तो साल कितने हो गए? दो चार 18 की बात है ना, तो आप 2021 में हैं। 18 19 20 21। अरे चौथा साल, अभी बहुत पुराना हो गया। अच्छा, अभी आगे चले। ओके, अच्छा सभा जी ना करें, कुछ और देख ले। नहीं नहीं, क्यों देख ले? ये देखिए आप सभा कमर साहिबा की एक खतरनाक तरीन लुक। क्या सोच रही सभा, इस लुक को आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे? मैं जब मिरर में अपने आप को ऐसे सामने से देखती हूँ तो ऐसे सेल्फी कैम से आप फोटो ले रहे हो, अच्छी नहीं आती जितनी ऑपोजिट कैम से शीशे में आती है। तो मैं बहुत प्यारी लग रही थी खुद को। ठीक है, नहीं मगर ये जो लुक है ना आपकी, ये तो कोई इंतकामी लुक लग रही है ये। अच्छा, आपको इंतकामी लग रही है? मुझे बहुत रोमांटिक लग रही है ये, तो बड़ा गुस्से वाला रोमांस। माय काइंड ऑफ रोमांस। अच्छा, और नीचे आप लिखती हैं क्या? आई लव लुकिंग इन द मिरर एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट व्हाट आई सी। यस, ओए होए होए, ये तो बकायदा आपने, और सिर्फ हैशटैग भी सभा कमर किया है, और किसी आपने इंसान को कोशिश ही ना की कि दुनिया में अकेले आए हो, जाना अकेले है, हैशटैग भी अपना ही डालेंगे ना, आप किसका डालें? जैसे मुझे बात बताएं, अदाकारों को अपने से प्यार कितना होता है? बहुत ज़्यादा। वो एक्टर ही क्या जिसको खुद से प्यार ना हो? खुद से प्यार नहीं करेगा तो फिर दूसरों को प्यार कैसे देगा? और दूसरों से प्यार कैसे लेगा? हाँ, फैन से प्यार भी तभी मिलेगा ना जब खुद से पहले प्यार करता हो। एक्टर को प्यार करना आना चाहिए, उसको सेंसिटिव होना चाहिए, तभी वो अच्छी अदाकारी कर सकता है। एक और बड़ी जबरदस्त तस्वीर जो मुझे लगती है, इसकी तो बात ही ना करें। मगर ये बिग बैंग पे जाके क्यों ख्याल आया आपको? बिग बैंग पे ये देखें, और आप जो लिखा है आपने वो आप देखिए। आपको पता है क्या लिखा था?
Yes, I remember. बला बताइए चले मुझे क्या देखते हैं सबा कमर की पांच साल पुरानी यादाश्त कैसी है? You healed, but you never forget. ओए होए 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 वाह 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 पांच साल पहले की कैप्शन सोनो सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होती यादाश्त. ये वो जख्म है जो दिल पे लगा है. ये वो जख्म है वो दिल पे लगा और ये वो पिक्चर है जो जख्म के बाद इंस्टा पे लगी. Yes. You get healed, but you never forget. 2016 में आपने कहा जब आप बिग बैन और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पहुंची तो तब आपको ये ख्याल आया और आपने फौरन उसको इंस्टा पे चस्पा कर दिया. सबा जी, please. Oh my God, मैं घबरा गई हूँ. रुक करे नहीं अभी तो हम सवालों में आए नहीं अभी तो हम आपके सरकार पेश कर रहे हैं आपको तो yeah. क्या था ये? But that's true. You get healed, but was you it, never forget. No, but was क्या होता है जब एक बार आपको जख्म लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो क्लियरली 100% आप चला जाता है आपकी स्किन से या आपके दिल से या वो ठीक है रह जाता है. वाज देयर एनी सिग्निफिकेंस बिहाइंड लंदन मे बी एज अ सिटी आपको कोई था उस शहर के अंदर जाकर आपको ये एहसास हुआ मेमोरीज ऐसी हैं कुछ लंदन से मेमोरीज थी या मतलब या इधर के अलावा भी आप ये ट्रफेलगर स्क्वायर पे तस्वीर खींचती तो यही फीलिंग आनी थी ना वो ठंडा पानी लेकर आए भाई के लिए फिर एक और बार आपने मोहब्बत का इजहार किया अपने आप से और आपके आपने ये तस्वीर लगाई वो तो प्रोसेस था ना लर्निंग प्रोसेस था. हाँ ये कौन सा ये क्या था ये तो भूल गया. याद है आपने क्या लिखा इसके? मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की. आप हैं ही नहीं इस दुनिया की. हूँ तो ऐसे ही मैं वैसे मैं हूँ नहीं इस दुनिया की. किस दुनिया पे आपको मेरा कोई अपना ही लगता है प्लेनेट और मैं किसी अपने केव में रहती हूँ. ये वैसे क्या इस तस्वीर को सिग्निफिकेंस मतलब मैं मस्त मस्त थी आप मगन. अच्छा ये मैं अक्सर ऐसी रहती हूँ. हाँ अच्छा ये वैसे मस्त मगन वाली जो आपकी स्टेज है ये एक और भी है. अच्छा फिर मुझे कहीं पर लगता है कि हम आपकी तस्वीरों में देखते हैं कि कोई छोटा वाला कुशन है एक और कुशन के आगे रखने ताकि मेरा कोई भी पिक्चर देखने के बाद एक्सप्रेशन में पहले सही वाले कर लूँ ना जरा प्यारी बेटी वाले. अब आप बताइएगा अगर ये भी मोहब्बत है या ये कुछ और नोट था जो कि आप छेड़ना चाह रही थी ये देखिए. लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत वो वाली नहीं होती जो लोग समझ रहे. मोहब्बत एक बड़ा प्यारा एक जज्बा एक एहसास है मैं उसकी बात कर रही हूं कि वो किसी से भी हो सकती है. बिल्कुल किसी से भी चाहे वो हम किसी एक खास मोहब्बत की बात नहीं कर रहे. बिल्कुल ठीक है. ये देखिए ये लाहौर से आगे के दिनों की कुछ हरकतें मुझे याद भी नहीं. आपको पता है इसके नीचे कैप्शन क्या थी? नहीं इसकी याद नहीं क्योंकि ये इतनी दिल के करीब नहीं है. अच्छा ये वैसे ही हवाई फायर था. ये ऐसे ही हवाई फायर था. अच्छा इसके नीचे आपने लिखा सिर्फ हैप्पी क्वेश्चन मार्क. हां सी हैप्पी. तो ये किसको आप ये ताना दे रही थी या ये किसको चैलेंज दे रही थी? ये ऐसे ही होगा तो मैं बाकी फील कर रही हूं. या हैप्पी पर्सन. नहीं यू आर नॉट हैप्पी यू आर आस्किंग विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. यस आपने ये देखे क्वेश्चन मार्क. किसी ने कहा होगा फोटो लगा दो यार तो मैंने लगाया. हाँ मेरे फैंस अक्सर कहते हैं ना मैं क्या हैप्पी. अच्छा तो ये किसी फैन ने कहा था और आपने उसको आगे से वहीं पे ऐसा कुछ करने के लिए लगा दिया हैप्पी तुम्हारा. ठीक है जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर हमें आपकी लगी. अरे ये जिस पे आपने कहा बेस्ट इदी फ्रॉम द बेस्ट को एक्टर ऑन द सेट्स ऑफ हिंदी मीडियम और ये गालिबन ने बताया हमें इसके बारे में. व्हेन आई वाज शूटिंग हिंदी मीडियम दिल्ली में थी मैं और बड़ी ईद आ गई थी हमारे यहाँ मतलब उधर भी होती है. हाँ. तो वो पहली ईद थी जो मेरी घर पे नहीं थी. अच्छा घर पे आप नहीं थी? मैं घर पे नहीं थी मैं दिल्ली में थी शूटिंग कर रही थी. तो वहाँ फिर मैंने इरफान से कहा कि ईदी चाहिए मुझे. फिर उन्होंने मुझे वहाँ सेट पे ईदी दी थी. ये नोट आज भी मेरे पास. ये नोट आपके पास पड़ा हुआ है. क्या मेमोरीज इरफान खान के साथ आपने की? बहुत खूबसूरत और मैं बचपन से उनकी फैन थी. मेरी हमेशा जिंदगी में ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की. मैंने ये बोला भी था अपने शेरू के इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे कभी ऑफर हुई वहाँ से तो मैं इरफान खान के साथ काम करना चाहूँगी. और मैं माशाल्लाह इतनी लकी थी कि मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी और वही सीधी इरफान खान के साथ. हाँ बिकॉज आपने काफ़ी अपनी पोस्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है दैट व्हाट ऑल यू हैव लर्नड फ्रॉम हिम एज एन एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग. लंदन की है आई थिंक शारदा के साथ. ये हिंदी मीडियम की प्रोड्यूसर है ना शारदा. हाँ, मेरी दोस्त भी है बहुत अच्छी. 2016 ये वही सेम टाइम है जिसके अंदर आपने पहले कहा था और यकीनन इस तस्वीर तक आप हील हो चुकी हुई है. अच्छा एक चीज मैं आपको आपकी तस्वीरों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ. क्या 2016 तकरीबन के करीब आपने तस्वीरें अपलोड करना शुरू की इंस्टाग्राम के ऊपर. ठीक है 2016 से लेके 2018-19 तक आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर हमें इस किस्म की कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी. ठीक है आप नहीं मिलेंगे. अच्छा
इंटरेस्टिंगली जैसा आपने कहा कि वो साल और वो टाइम जो था 17-16 का, एक बड़ा टफ टाइम था आपके लिए पर्सनली, ठीक है, या एक हाँ, जिस तरह एक एक प्रोसेस था सीखने प्रोसेस का, था सीखने एक नई चीज थी। उस टाइम के दरमियान में यू वर डूइंग अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वर यू नो चाइल्डिश फन और जो होता है, और उसके बाद 2019-20 के अंदर सबा कमर की आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिलती, वो बात नहीं रहती जब आप अच्छा बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहीं जाते हैं सफ़र करने ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो जब आप जा रहे होते हैं और जो इंसान वापस आता है वो सेम नहीं होता, बहुत सी यादें एक्सपीरियंस और चीज़ें, जिंदगी ऐसी है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब की जो सबा कमर है ना वो अब एक और टेंजेंट आ गया हुआ है, अब वो टेंजेंट क्या है वो ये देखिए। हाँ शॉकिंग है भाई। हाँ ये अब आपने देखे बिल्कुल, यानी कि ना कहते वो क्या है चिल करना यार, ग्रैबिंग द बुल बाय द हॉर्न्स वाला आपने एटीट्यूड रख लिया हुआ है कि भाई अब ये है तो ये है, ठीक है। फिर अब सबा कमर जो हैं वो इस तरह की चीज भी कर लेती हैं कि ये देखें अब वो सीधा जस्ट ओपन योर आईज एंड सी दैट इट लाइक फैशन शूट्स, फैशन नहीं मगर ये अब मेजॉरिटी में है आपके काम में, आप अपना इंस्टा का भी दोबारा बड़ी कोशिश करी हूं कि आगे जो मेरे शूट आए वो जरा प्यारी बेटी वाले आए। ट्विटर भी आप यूज करती हैं ट्विटर पे आपने लिखा नो, बड़ा अरसा हो गया लिखे हुए, क्या निकाल लिया आपने? अच्छा तो क्यों अरसा वैसे क्यों इतना क्यों आप उसको करती हैं वो क्यों फिर मुझे वॉशरूम का गलत रास्ता बताया? आप किस चीज को वॉशरूम कहती है मुझे ये बताएं, मैं तो आपको सही भेज रहा हूँ हर बार। जैने कहाँ भिजवा दिया था, दो बाल्टियां रखी थी एक नीली एक गुलाबी, मुझे समझ ना आया मैं वैसे ही चली आई। खाला जी मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि प्लीज ऐसे ना आया करें। ये तो सबा कमर बैठी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम कैसी है? जीती रहो, मेरी जवानी में भी मेरा इंजन बॉडी आप ही का जैसा हुआ करे था जी। अभी भी जवान है आप। जैसा इंजन बॉडी इनका है ऐसा मेरी जवानी में मेरा भी हुआ करे था, सब दीवाने थे चांदनी चौक में। हाँ मगर ये जैसे आप लिबास जेब तन करे हैं ना वो मैं ना कर सकूं, तो ये अफसोस रहा। अच्छा? अभी अभी भी हो सकता है मतलब? तो भैया हमारे खानदान के तो डंके बजे थे। माशाल्लाह से ऐसे ही सफेद मखमली गरारा पहन गई थी छुन्नन के वलीमे में। छुन्नन के वलीमे ये गरारा नहीं है, इट्स अ फॉक्स। सफेद रंग देख के नजर आया तो आपने भाई हम भी एक यादगार शेयर करते थे चले, उसी गरारे में कुद्दूसी साहब की नजरें मुझ पे पड़ गई, मैं वहीं जमी की जमी रह गई। वो जल्दी जल्दी भागे अम्मा के कान में कहा कि ये लौंडिया पसंद है, अम्मा भी भर गई। वो जल्दी से घर की छत पे चढ़े, बालकोनी में चढ़ने के बाद एक टांग उधर को लटका दी, अम्मा मान गई, बस जब नस्बत तय हो गई थी। वैसे ये कपड़ा आपने पाकीज़ा बुटीक करीमाबाद वालों की सेल से लिया था ना? जी नहीं, ये एक डिजाइनर ड्रेस है। जानू हूँ मुझे आपकी एक्टिंग बड़ी पसंद है, मैं देखूं बड़े शौक से, मेरी लौंडियाएं भी देखें और हम भैया बहुत इंजॉय करें आप माशाल्लाह से, फख्र पाकिस्तान है। मींस अ लॉट। यूट्यूब का आपका माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चैनल चले है। थैंक यू सो मच, मैं बस वही दिखाती हूँ जैसे मैं फील करती हूँ, मुझे लगता है जो सच है वो बताना चाहिए चाहे लोगों को बुरा लगे, आग लगे तो आग लगे। सबा कमर साहिबा जी जी ये मेरी बात याद रख लीजिए, बल्कि आंचल तो मिलेगा नहीं, बाद में आंचल में बांध लीजिए। मैं दिल से लगा कर रख लीजिए कि आदमी को हर काम का कष्ट वक्त देख के करना चाहिए। खाला जी देखिए ऐसी कोई बात नहीं, तू चुप कर होश, मुझे गाइड कर वॉशरूम के रास्ते के लिए। हमेशा की तरह दाएं जानिब। आपके मशवरे का वैसे बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव शादी और जिंदगी को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि 50 साल एक ऐसे इंसान के साथ जाया करने से बेहतर है अपने पास
मेरी तजवीजात पे गौर करना, रुक ना सकूं, बड़ा मसला हो जाएगा। चल भाई ये मैं कहता हूं इस यहां से दाएं निकलिए। बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है, सपना कह के मेरा नहीं सुनो। ये माए सारी एग्रेसिव होती है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। यू विल बी राइट बैक। बगैर कहे सब जान लेते थे, लेकिन तुम पहले जैसे रहे कहाँ हो? तुम बदल गए हो। इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं। डार्विन भाई की थ्योरी है, बदलना इंसान की फितरत है। आप एग्री करती हैं इस तज्जिए से? 100% उस कुछ ने को भी एक मर्द कभी नहीं समझ पाता। जी वेलकम बैक। वो जो मैसेजेस आपने किए थे उनमें से किसी के जवाब आए? लेट मी चेक साइरन पे। ओ अदनान सिद्दीकी, सब अदनान सिद्दीकी ने जवाब दिया। आपने माइक किसका पहले सुनो? आप अदनान साहब का सुना दें पहले। माइक के करीब करके आपने सुनाना है वो ऑडियो। सुन नहीं कराना यार, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रोस्थेटिक लगा के उसको गंजा कर लेंगे यार, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट दिया कि एस्थेटिक और प्रोस्थेटिक लगा के हो सकते हैं, और साथ उन्होंने ढारस भी बने कि ये मेरी तस्वीरें देखें, मैंने भी ये किया था प्रोस्थेटिक्स के जरिए, तो मैं भी बॉल्ड हेड के साथ काम कर चुका हूँ। बिलाल अशरफ ने क्या कहा आपको? हेलो 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 यार, मेरे ख्याल से देखो इट रियली डिपेंड्स समहाउ ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ इट्स समथिंग मैसिव 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 या आई मीन massive, like, you know, which is going to get crazy exposure everywhere. And if it's just a project, then I do not suggest it. Matlab achhi to lagogi, but you know what I mean. International project ho, bahut massive, 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 massive hi scale ka. Toh tab aap ye kariyega. Unka mashwara ye hai. Sarmat Khusat. Sarmat Khusat, oh. Madam G, I'm back. Came yesterday only. Madam G, whatever suits your schedule. It might be just fun promoting with the shaved head. Sounds amazing, by the way. Lethal. अच्छा वो तो promotion तक पहुँच गए हैं। नहीं मैंने बोला था ना कि कमली की promotion है, ये करना चाहिए कि नहीं करना अच्छा, चाहिए। वो अपना उन्होंने angle बीच में ढूंढा। तो और भी अच्छा होगा। और भी अच्छा होगा कि shaved head के साथ, promotion का मजा। कमली भी promote हो जाएगी और ये film तो आप कर ही रही हैं। Yeah. और मैं भी शायद मैं भी शायद है सबा ऑल गुड यार। सॉरी मेरी नजर कमजोर है थोड़ी। दैट्स अ ब्रेव मूव बट आई थिंक जस्ट लाइक द वे यू हैव एम्ब्रेस्ड योर प्रीवियस लुक्स कैरेक्टर्स एंड ओन देम आई थिंक यू विल टोटली रॉक अ शेव्ड हेड इफ यू वेंट फॉर इट। माय सपोर्ट एंड बेस्ट विशेस विद यू, विशेस आर विद यू एज ऑलवेज। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एक्सेक्स। वाह वाह वाह, ये देखें that's के तीन तीन दोस्तों ने आपके कहा, सबने बता दिया, सबने ही कहा। बिलाल अशरफ का सिर्फ था कि अदनान, हाँ मगर बड़े मिक्स हैं। हमारे दोस्त मोहसिन ने हमें ज्वाइन किया है और ये हर हफ्ते कुछ गिला शिकवा लेकर आते हैं। आज मोहसिन आप क्या सुनाना चाह रहे हैं हमें? आज का मसला वासे भाई बहुत गंभीर है। अच्छा, सोचें बेगम आपसे नाराज हो गए। अच्छा, टेंशन हो जाती है और आप चाहते हैं कि मजीद टेंशन ना बढ़े तो फौरन ही पूछ लेते हैं, बेबी क्या बात? जवाब आता है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं बहुत खतरनाक है वासी, बहुत रिस्की है। ये ऐसा है कि आप कैच हैं और विकेट कीपर कामरान अकमल है। आप सिंध हैं और भुट्टो जिंदा है। ये कुछ नहीं इतना खतरनाक है कि मीटू पे टॉक शो चल रहा है और गेस्ट खलीलुर रहमान का मर है। आप फिर पूछते हैं, बेबी बताओ ना क्या बात? आगे से जवाब आता है कह रही हूं ना कुछ नहीं। अब आपको मजीद टेंशन नहीं है, आपका दिमाग बिजली की तेजी से चल रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि बात कुछ नहीं तक कैसे पहुंच गई है। इसको कोई ऐसा मैसेज तो नहीं मिल गया जो छुपाया हुआ था? फोन में किसी लड़की की तस्वीर तो नहीं देख ली है? किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं चल गया जिससे आजकल मिल रहा हूं? क्योंकि जाहिर सी बात है भंड पता चलेगा तो डिफेंड करेंगे। इस सोच विचार में 5-8 मिनट निकलते हैं कि आवाज आती है, सी तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी, मैं नाराज हूं और तुम पूछ ही नहीं रहे। बहरी हो गई हो क्या? बार बार पूछ तो रहा हूं, बकवास कर तो रहा हूं कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तुमने ही कुछ नहीं की रट लगाई हुई है। लेकिन ये आपने दिल में कहा, मुंह से नहीं निकला। ऐसा सीख रही हूँ, काम आएगा आगे।
बेबी पूछ तो रहा हूँ क्या हुआ है, बता दो ना। वैसे मुझे पता है मेरी कोई गलती होगी, मैं माफी मांगता। रहने दो, जब पता ही नहीं है तो माफी क्यों मांग रहे। अबे औरत ड्रैग क्यों कर रही है, बता देना कि क्या गलती हुई है, पता चलेगा तो माफी मांगूंगा, वही तो आएगी नहीं मुझे। ऐसे बोल रहे, ये आपने दिल में कहा है। तो, क्योंकि आप तो डिफेंसिव चल रहे, भंड का पता नहीं है। बिल्कुल बेबी पूछ तो रहा हूं, बता दो ना प्लीज। पहले पूछना नहीं पड़ता था तुम्हें, बगैर कहे सब जान लेते थे, लेकिन तुम पहले जैसे रहे कहां हो, तुम बदल गए हो। इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं, डार्विन भाई की थ्योरी है, बदलना इंसान की फितरत है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम आज चिंपैंजी होती फीमेल और मैं मेल चिंपैंजी, और इस वक्त हम एक दूसरे की लंच में जुए खा रहे हो। ऐसा आपने दिल में कहा। बेबी मुझे पता है मेरी ही किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची। अचानक से आवाज आती, डू यू लव मी? आप कहते हैं हाँ, लेकिन उससे तो मुझे तकलीफ पहुंच रही है ना, ना मैं लव करता और ना ये खज्जल ख्वारी हो रही होती। और ऐसा वासे भाई आपने दिल में कहना, रिलेट कर रहे हैं आप ना। लेकिन ये सबसे खतरनाक मरहला है, क्योंकि आप कहानी की प्रोग्रेस दे रहे हैं। हम शुरू कहां से हुए थे? कुछ नहीं से, कुछ नहीं से। पहुंच कहां गए? शी इज आस्किंग डू यू लव मी। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका तसल्ली बख्श जवाब ना किसी मर्द के पास था, ना है और ना होगा। इस सारे मसले से निकलने का एक हल है, व्हेन यू कांट कन्विंस हर, कंफ्यूज हर। नहीं समझे? समझा। सबसे तो पहले आपने आंखों में देखना है प्यार से और दोनों हाथों को थाम लेना है। उसने गुस्से से गर्दन मोड़ लेनी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, गर्दन वापस आएगी जैसा मैं कह रहा हूं करते थे। पहला तीर निशाने पर फेंक लो। बेबी मैं सोच रहा हूं आज रात का खाना कहीं बाहर खा। हिलिए हिलिए, गर्दन थोड़ी सी हिली, अभी पूरी नहीं मुड़ी। जवाब आता है मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन घबराना नहीं है। दूसरा, कुछ देर खामोशी से बैठे रहना है और फिर देख कर। अच्छा छोड़ो ना ये, और ये तुमने अपना हाल क्या बना लिया, क्या पहना हुआ है तुमने, और ये बालों का। बेबी तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती यार, दिस इज नॉट फेयर। हर वक्त मेरे लिए परेशान रहती हो, मेरे कामों में बिजी रहती हो। नहीं नहीं यार, मैंने डिसाइड कर लिया, पहले हम जाएंगे पार्लर, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा और उसके बाद डिनर। हॉरर फिल्मों में भूत या चुड़ैल की शक्ल अचानक तेजी से 180 डिग्री पर मुड़ती है ना, ऐसे ही बेबी की गर्दन आपकी तरफ मुड़ी। और इस बार इससे पहले कि वो कुछ कहे, आपने तीसरा और आखिरी तीर फेंकना। तुम अभी तक बैठी क्यों हो, कम ऑन गेट रेडी यार, वी आर गेटिंग लेट। और इस बार वो खामोशी से उठकर चली गई। अब पार्लर जाते हुए ड्राइव करते हुए गाड़ी पर आपने लगाना है एक रोमांटिक गाना। बेबी अभी थोड़ी सी नाराज है, शीशे से बाहर देख रही। फिर पार्लर के बाहर 3 घंटे वेट, और उसमें आप यही सोच रहे हैं कि वो भंड कौन सा है जिसकी वजह से ये ख्वारी हो रही है। फिर शॉपिंग पर बहुत सारा खर्चा, और फिर डिनर पर बेबी के नए हेयर कट की तारीफ। वापसी में लॉन्ग ड्राइव पर फिर एक लगाना है रोमांटिक गाना, लेकिन इस दफा हालात बदल चुके। बेबी खिड़की से बाहर नहीं देखी, बेबी ने आपका हाथ थामा हुआ है और उसकी गर्दन है आपके कंधे पर। मिशन कुछ नहीं, अकॉम्प्लिश। आप मुस्कुराकर बेबी को देखते हैं और पूछते हैं, बेबी क्या सोच रही? जवाब आता है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं, मैं ना वाकई आपने कहा बहुत कुछ होता है, सही था वो। आप अग्री करती हैं इस तज़िए से? 100% आपने इस्तेमाल किए कुछ नहीं, हमेशा अभी तक सब औरतें करती हैं, आपके घर में भी करते होंगे। ये कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, मगर बहुत कुछ होता है। मगर क्या होता है, या एक हवाई फायर भी होता है, इसरा ही कह रहे थे कि कुछ नहीं बस। वो बस होता है जब बस मूड नहीं है, वो मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो बस कुछ नहीं फिर आ जाता है। उस कुछ नहीं को फिर एक मर्द कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि मर्द सीधे होते हैं और औरतें बिल्कुल जेनेटिक। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने।
इमोशंस की भरमार होती है उनके अंदर, इमोशंस की भरमार होती है। मत को होते कि सीधी बात करो यार, मुझे सीधी बात समझ आ रही है, राइट? सबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज सो मच फन टू हैव यू ओवर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी गोइंग टू सी यू नेक्स्ट वीक। दोस्तों क्या है एंडिंग में रखा हुआ तुमने सबा कमर जी के लिए? ईमान कैसी हैं आप? भाई बहुत ठीक ठाक। आज मेरी पसंद की लैडी को बुलाया तूने अपने प्रोग्राम में। कोई तो हमारी भी तारीफ करे। इसकी पेमेंट हो गई? तो ये आपको कहाँ मिले बाबू? फ्रेंड के घर। अच्छा। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या किया कि आपकी राय बदल गई? पंजाब नहीं जाऊंगी आपने क्यों नहीं किया?